नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। मिड डे मील योजना की हम बात करेंगे, क्योंकि मिड डे मील योजना की जो शुरुआत हुई थी उसका मकसद ये था कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम होती थी। तो एक बच्चों की सुविधा को लेकर या उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए, जो गरीब लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं भर पाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं, उन्हें सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिला करेगा, ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए पहुँचे। इसके साथ ही वो उनकी पढ़ाई भी होगी और साथ ही कुपोषण से भी उनको मुक्ति मिलेगी। उनके पोषण का ख्याल रखने के लिए मील यहाँ पर सरकारी स्कूलों में तैयार करने की बात सामने आई। तो मिड डे मील योजना को लेकर हालांकि समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर ऐसे केसेस आते हैं कि जो क्वालिटी होती है खाने की उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी जाती है। हालांकि उन पर फिर एक्शन भी होता है जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल बंगाल का मैं जिक्र करूंगी, जहां पर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी ओर से ये ऐलान किया गया है कि अब मिड डे मील में वो चिकन और अंडा भी प्रोवाइड कराएंगी। जो यानी प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं जिनको मिड डे मील की सुविधा मिलती है, उन्हें अब उस उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए इस लिहाज से ही सरकार की ओर से फैसला हुआ है कि उसमें चिकन और अंडा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन इसको लेकर बीजेपी अब सवाल उठा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ये कोरी सियासत है, क्योंकि पंचायत चुनाव नज़दीक है और पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। खुद शुभेंदु अधिकारी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया। हालांकि टीएमसी की ओर से जो नेता है उनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी पागल हैं, वो समय समय पर ऐसा कोई ना कोई सरकार जो अच्छी योजना लेकर आती है उस पर सवाल उठाते हैं। और यही बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सरकार ठीक से अगर काम करने की कोशिश करती है या सरकार कोई अच्छी नीति लेकर आती है तो उसमें बाधा डालने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाती है, जो कि बीजेपी है। तो ये राजनीति एक अलग मुद्दा है, लेकिन मिड डे मील में चिकन या अंडे को लेकर इससे पहले भी सवाल उठे हैं कि ये अंडा प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं जो सियासत में हैं वो सवाल अक्सर उठाते रहते हैं इसको लेकर। हालांकि पश्चिम बंगाल में चिकन और अंडे की बात जब सामने आई है तो उसमें सरकार ने उसके लिए बजट भी अलॉट किया है, जिसे बीजेपी का कहना है कि ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अब वहाँ की जनता इस पर कैसे रिएक्ट करेगी ये देखना होगा। आपकी इस पर क्या राय है वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मिड डे मील में चिकन या अंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि न्यूट्रिशन का एक अच्छा माध्यम होता है अगर अंडा आप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके और भी वैकल्पिक चीज़ें होती हैं जो वेजिटेरियन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मिड डे मील को लेकर एक बार फिर घमासान पश्चिम बंगाल में छिड़ चुका है। हालांकि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जनता इस पर क्या रिएक्ट करेगी वो भी देखना होगा। आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।